सो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने लॉज ऑफ मोशन के बारे में, इम्पल्स के बारे में, कनेक्टेड मोशन के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ा, राइट? इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन का टॉपिक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फिज़िक्स की दुनिया में। इनफैक्ट ये उन चुनिंदा टॉपिक्स में से है जो अगर शायद रिसर्च नहीं होती, शायद इसकी डिस्कवरी नहीं होती, तो मोशन को स्टडी करना हमारा अधूरा रह जाता, राइट? साथ ही साथ इसके बेसिकली जो डेफिनेशन के इंटरप्रिटेशंस हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स फिज़िक्स के, अलग अलग टीचर्स फिज़िक्स के अलग अलग निकालते हैं, बट डेफिनेटली मेरी जो समझ फ्रिक्शन के टूवर्ड्स है वो मैं आपको बताऊँगा, जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत हद तक फ्यूचर में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने में मदद मिलेगी। सो फ्रिक्शन डिफाइन होता है, इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी इज एक्चुअली मूव्स, स्लाइड्स, रोल और इवन ट्राइज टू मूव। ये तभी रोल अपना प्ले करता है जब एक बॉडी मूव करने की या तो कोशिश करती है या मूव कर रही होती है, राइट? अब कोई बॉडी खुद तो मूव कर नहीं रही होती, ना ही खुद मूव करने की कोशिश करती है, ज़रूर किसी दूसरी फोर्स ने, जिसको हम अप्लाइड फोर्स के नाम से जानते हैं, राइट? ज़रूर किसी दूसरी फोर्स ने, जिसको हम किस नाम से यहाँ पर बात कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, उसने उस बॉडी को मूव कराने की कोशिश की होगी। जैसे इस फिगर में ये अप्लाइड फोर्स मूव कराने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही कोई मूव कराने की कोशिश करेगा या मूव कराएगा, ऐसा कोई फोर्स जो मूव कराने की कोशिश करे या मूव कराए, तभी फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करता है। इसका मतलब क्या फ्रिक्शन को मोशन से दिक्कत है? क्या मोशन के होने की वजह से या मोशन में आने की कोशिश करने की वजह से फ्रिक्शन आता है? नहीं, उस फोर्स को अपोज करने आता है वो, जो उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रही है, राइट? जोक्स के तौर पे, लाइक अगर जस्ट आप इसको मजाकिया तौर पे लें थोड़ा, तो इट्स अ काइंड ऑफ मम्मी। फ्रिक्शन जो है वो मम्मी की तरह एकदम, जैसे मम्मी मना करती है खेलने जाने के लिए, राइट? तो क्या आप मम्मी को आपके खेलने से दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कुछ कुछ चीज़ों से डरती है, उसको अपोज करती है, इसलिए आपके खेलने को अपोज करती है। एक, उनको डर लगता है कि अगर झूले पे झूलना झूलने जाएंगे तो हो सकता है गिर ना जाए छोटा बच्चा, तो उसको एक गिरने के डर से वो उसको खेलने नहीं जाने देती है, राइट? क्या वो खेलने को अपोज कर रही है उसके गिरने को? एक, कि नीचे जाके वो गलत संगति में ना पड़े, गलत लोगों से बात ना करें, कुछ गलत ना सीखे, राइट? तो वो तुम्हारे कुछ गलत सीखने को अपोज करती है, ना कि तुम्हारे खेलने को। तो बेसिकली आप समझ रहे हो, इसको फ्रिक्शन को मोशन से कोई दिक्कत नहीं, इसको उस फोर्स से दिक्कत है जो इसको मोशन में ला के एक्सीडेंटल पोजीशन में ला सकता है। तो एक्सीडेंट से बचाने के लिए, राइट, आपका मोशन सेफ रखने के लिए फ्रिक्शन काम में आता है। नेचर ने इतना भी ध्यान रखा है आपका, फिजिक्स, क्योंकि आपको पता है इट्स अ स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास, तो उसने इतना भी आपका ध्यान रखा है कहीं मोशन के आगोश में आके, आवेश में आके, आप कहीं कोई एक्सीडेंट ना करवा बैठे, इसलिए फ्रिक्शन उसके मोशन को अपोज करवाने के लिए, उस फोर्स को अपोज कराने के लिए जो उसको मोशन में ला रहा है, फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करता है। सो फ्रिक्शन की, जैसा कि मैंने कहा था, कई टीचर्स, कई स्टूडेंट्स, कई लोगों की ये भाषा में आप पाएंगे कि फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन। तो आज से आप याद रखिएगा, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन उस फोर्स को अपोज करता है जिसकी वजह से मोशन पैदा हो रहा है या हो सकता है। और जब तक ये अप्लाइड फोर्स, लेस देन या इक्वल टू है फ्रिक्शन के, वो मोशन में नहीं आएगा, मोशन में नहीं आने देगा फ्रिक्शन जब तक अप्लाइड फोर्स लेस देन या इक्वल टू होती है। लेस देन का तो कोई केस ही नहीं है, राइट? स्टैटिक फ्रिक्शन, लेस देन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, एज एन वो हद तक फ्रिक्शन कहता है, अपने आप का नाम देता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक वो उसको रेस्ट में ही अपोज कर रहा होता है, राइट? उस फोर्स को रेस्ट की पोजीशन में मेंटेन करके ही अपोज करता है, तब तक वो उसको स्टैटिक कहता है। लेकिन जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती जाती है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल होता है, ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है, राइट? अब ऐसा तो आप कहेंगे नहीं कि अगर एक फोर्स लगा 200 न्यूटन तो स्टैटिक फ्रिक्शन 250 न्यूटन लग रहा है, ये तो आप कह ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे तो पता चला कोई इंसान ऐसे मूव कराने की कोशिश कर रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हुआ और ऑब्जेक्ट उल्टी डायरेक्शन में चलने लगा, ये तो एक तरह का मैजिक हो गया, राइट? शायद इस तरीके के मैजिक से डर भी लगने लगे कि हम उसको इधर ले जाना चाहते थे लेकिन वो इधर जाना शुरू हो गया। ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब ये देखता है फ्रिक्शन, इस बात को गौर करता है कि एग्जैक्टली आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं।
अगर स्टैटिक फ्रिक्शन को रोल प्ले करना है तो 200 न्यूटन अगर आप अप्लाइड फोर्स रखेंगे अपनी, तो फ्रिक्शन भी अपने आप को 200 न्यूटन ही रखेगा। लेट्स से 250 न्यूटन आपने लगाना शुरू कर दी अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा 250 न्यूटन पे, एडजस्टेबल होता है ये। तो जब तक उसको उसको स्टैटिक पोजीशन में रखना है, जब तक फ्रिक्शन इस लायक है कि वो उसको स्टैटिक पोजीशन में रख सके, तब तक वो एडजस्ट करके अपने आप को इंक्रीज करते करते अप्लाइड फोर्स के इक्वल करता रहता है ताकि मोशन में ना आए ऑब्जेक्ट। लेकिन कोई तो लिमिट होगी ना इसकी, परफेक्ट नाम ही सामने हमारे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे मैक्सिमम पोजीशन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे मैक्सिमम पोजीशन होता है। मतलब लेट्स से 5 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम पोजीशन था, राइट? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या था? 5 न्यूटन। आपने 4 न्यूटन लगाई, फ्रिक्शन ने अपने आप को 4 न्यूटन एडजस्ट किया, अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन थी, फ्रिक्शन ने भी 4 न्यूटन लगाया। आपने 4.5 लगाया, फ्रिक्शन ने भी अपने आप को 4.5 पे एडजस्ट करा। आपने 4.9 लगाया, फ्रिक्शन ने भी 4.9 लगाया। 5 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन ने अपने आप को 5 न्यूटन कर लिया। ये उसकी मैक्सिमम पोजीशन थी। अब इसके बाद आप थोड़ी सी भी फोर्स इंक्रीज करेंगे, मूव कर जाएगा ऑब्जेक्ट, मूव कर जाएगा। इवन अगर आपने इसके बाद थोड़ी सी भी इंक्रीज करके 5.1 भी कर दी न्यूटन, तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। तो ये वो समय है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब तक वो उसको स्टार्टिंग में मेंटेन कर सकता है। इससे थोड़ा सा भी अगर बढ़ा अप्लाइड फोर्स, तो वो लिमिटिंग का छोड़ देगा दायरा, स्टैटिक पोजीशन को अपने छोड़ देगा और चलने लग जाएगा। और जब चलने लगता है ऑब्जेक्ट, तब उस दौरान जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करता है जब ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है। तो मूविंग कार जिसके व्हील्स चल रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं और कार आगे बढ़ रही होती है लगातार, उस दौरान जो रोड के साथ फ्रिक्शन लग रहा होता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यूज एडजस्ट कर सकता है, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते बढ़ाते फ्रिक्शन बढ़ाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता फिर तो हमारी जो वेलोसिटी है वो कभी बढ़ ही नहीं पाती। हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते, काइनेटिक फ्रिक्शन भी अपने आप को बढ़ा लेता, हमारी वेलोसिटी बढ़ने ही नहीं देता। लेकिन आप देखेंगे जब हम काइनेटिक पोजीशन में होते हैं तो हम जैसे जैसे एक्सेलेरेटर दबाते जाते हैं हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है, वो एक फिक्स वैल्यू रहती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एडजस्ट नहीं करता, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक की। खाली स्टैटिक पोजीशन में ही स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहता है। एक और स्टार मार्कर पॉइंट, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से वैल्यू छोटी रखता है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इट इज़ ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपने आप को जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उससे वैल्यू छोटी रहती है काइनेटिक फ्रिक्शन की, याद रखिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, ये वाली बात आपको एग्जैक्टली समझ में आ ही चुकी है, इसको मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। अब लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ते हैं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड फिर उसकी लिमिटेशंस भी देखेंगे किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। फाइन, सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज विच इज़ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट एज एन, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन तो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है और अप टू लिमिटिंग ले जाता है। तो लिमिटिंग तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हुई किसी भी दो बॉडी के कॉन्टैक्ट के वक्त, तो ये आप कॉन्स्टेंट की तरह मान सकते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके नॉर्मल के, राइट? एंड प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर म्यू एस लिखा हुआ है, आप म्यू एल लिख लीजिए, म्यू एस लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। बट यस, ये वैल्यू जो है वो फिक्स है, मैक्सिमम है फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करती है ये। काइनेटिक फ्रिक्शन लाइक स्टैटिक फ्रिक्शन इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, फर्दर इट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं करती है। एन जो होता है वो जनरली एम जी के इक्वल होता है, बट वेन एन इज इक्वल टू एम जी इंक्रीजेज मीन्स एफ इंक्रीजेज। अगर ये बढ़ रहा है, एन बढ़ रहा है, तो एफ भी बढ़ रहा है। वेट पर डेफिनेटली डिपेंड करता है, वेट के कॉम्पोनेंट्स पर डिपेंड करता है। वेट पे और वेट के कॉम्पोनेंट्स दोनों में फ़र्क क्या है? अगर हॉरिजॉन्टल सर्फेस है तो वेट के, और अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है तो वो वेट का कंपोनेंट होगा, उसके इक्वल होता है एन, राइट? तो जितना हेवियर होगा बॉडी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, और जितना लाइटर होगा बॉडी उतना कम फ्रिक्शन। ये कुछ क्रूशल पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने फ्रिक्शन को सीख लिया कि फ्रिक्शन के तीन टाइप्स होते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक, एंड उसमें लिमिटिंग के क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे ध्यान में है,
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करते हैं इन सारी नॉलेज को. सो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन इन स्टेशनरी गिवन दैट कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड ट्रेन इज 0.15. तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, हमारे पास 0.15, एंड हमें पता है कि जब ट्रेन एक्सेलरेट करेगा तो वो एक्सेलरेशन हर एक बॉक्स को, हर एक ट्रेन के वेगन को, चेयर्स को, सबको मिलेगी वो एक्सेलरेशन, राइट? तो फोर्स लगेगी उस बॉक्स पे इन ऑर्डर टू स्लाइड. तो वो फोर्स होगी एम ए के इक्वल, और मैक्सिमम फोर्स मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन जहाँ पर वो स्लाइड ना करे. सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन उस बॉक्स पे जो लगेगी वो इक्वल होनी चाहिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के, विच इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन, विच इज़ म्यू एन. सो यहाँ पर एम, अगर यहाँ पर एक आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम हो, लेट्स से एक फ्री बॉडी डायग्राम में आपके पास बॉक्स है, ये मास है, इस तरफ एक्सेलरेशन लग रही है मैक्सिमम बॉडी पे, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये एम जी नीचे की तरफ लग रहा है वेट, और यहाँ ये नॉर्मल है. तो जैसा कि हमें पता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंगली एम ए मैक्स जो होगा वो म्यू एम जी के इक्वल होना चाहिए, जिसमें एम एन एम कैंसिल आउट. सो ए मैक्स विल बी 0.15 इंटू 10, विच इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जो कि एक ट्रेन एक्वायर कर सकती है उसके अंदर का बॉक्स स्लाइड नहीं करेगा. क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड द ब्लॉक बी रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल. तो बेसिकली इसका एफबीडी बनेगा कुछ, कि एक टेबल है उस पर एक ब्लॉक है जिसे हम बी ब्लॉक कह रहे हैं, उस पर ए ब्लॉक रखा हुआ है, राइट? तो ए ब्लॉक का मास इन्होंने मेंशन करा है हमारे लिए 4 किलोग्राम एंड बी ब्लॉक का मास इन्होंने मेंशन किया है 5 किलोग्राम. नाउ इनका कहना है दैट फॉर स्लाइडिंग ब्लॉक ए ओवर बी, मतलब ए बी पे स्लाइड करे, इसके लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन की ज़रूरत है. स्लाइड करने का मतलब काइनेटिक लेवल में आना, और इस तरीके के लिए फ्रिक्शन यूज़ होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, विच इज़ म्यू के इंटू एन, विच इज़ एम ए इंटू जी, राइट? तो 12 न्यूटन, 12 अपॉन, तो फोर्स लगेगी 12 अपॉन 4g, दैट इज़ म्यू के. तो म्यू के कितनी आई वैल्यू, 3g. ये काइनेटिक फ्रिक्शन आया हमारे पास, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट आया है, राइट? जब स्लाइड करेगा वो, और क्योंकि यही है उनके बीच में तो काइनेटिक के लेवल पे. अब ये इनका अगला सवाल है दैट ऑल्सो फाइंड आउट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय दिस फोर्स. मैक्सिमम फोर्स हम क्या लगा सकते हैं स्लाइड करवाने के लिए ताकि वो एक साथ चले, राइट? What force is required in order to keep B and A together? एक साथ चले, इसके लिए एक साथ उनको स्लाइड करना पड़ेगा. इसका मतलब है कि मैक्सिमम फोर्स निकलेगी म्यू के एम ए जी प्लस म्यू के एम बी जी, विच इज़ म्यू के कॉमन जी कॉमन एम ए प्लस एम बी. म्यू के इज 3g इंटू जी इंटू 9, बिकॉज एम ए प्लस एम बी 9, देयरफॉर 27 न्यूटन की मैक्सिमम फोर्स लगेगी. इंग्लिश दो था, मैक्सिमम फोर्स को हम एम ए के इक्वल पुट कर सकते हैं. एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा एफ मैक्स अपॉन एम, दैट इज 27 अपॉन 9, विच इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये इनका अगला सवाल था दैट ऑल्सो फाइंड आउट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाई दिस फोर्स. ये तो वो मैक्सिमम फोर्स है जो उनको एक साथ रखने के काम में आएगी. एक साथ वो तभी रहेंगे सिर्फ, सेम काइनेटिक फ्रिक्शन का सेम कोएफिशिएंट लगेगा उनके ऊपर. साथ ही साथ उस मैक्सिमम फोर्स के साथ उन्होंने हमसे पूछा है कि क्या वो एक्सेलरेशन होगी जो ये मैक्सिमम फोर्स पैदा करेगी इस पूरे सिस्टम पे, विच इज़ एफ मैक्स इज इक्वल टू एम ए. ये उससे हमने सॉल्व कर दिया. फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है दैट फिगर शोज अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट दैट इज एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कन्वेयर बेल्ट अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है तो उसके ऊपर रहने वाले हर एक चीज़, हर एक पार्टिकल की सेम एक्सेलरेशन होगी. इन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द मैन. सिंपल, एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट, एम ए.
मास ऑफ अ मैन हमें एंड में दिया हुआ है, मास ऑफ अ मैन इज 65 किलोग्राम, देयरफॉर 65 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन प्रोवाइड इज 165 न्यूटन, ये हमारे पास फोर्स लग रही है। अभी तक तो स्टेशनरी है, लेकिन आगे हमसे पूछा है इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन मैन शू एंड द बेल्ट इज 0.2, स्टैटिक फ्रिक्शन हमें कोएफिशिएंट उसका दे रखा है, तो कितनी एक्सेलरेशन तक बर्दाश्त कर सकता है ये, स्टेशनरी रह सकता है, क्योंकि उसके बाद तो स्टेशनरी नहीं रह पाएगा, राइट, स्लाइड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा, तो वो कौन सी एक्सेलरेशन है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ मैक्स अप टू विच लिमिटिंग फ्रिक्शन प्लेज रोल, राइट, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम फ्रिक्शन, सो म्यू एस इंटू एन इज इक्वल्स टू एफ मैक्स विच इज ए मैक्स एम ए मैक्स, नाउ म्यू एस इंटू एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए मैक्स, एम एम कैंसिल आउट हुआ, ए मैक्स विल बी इक्वल्स टू वॉट 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अभी जितनी एक्सेलेरेशन ये प्रोवाइड करा रहा है उससे डबल हो जाएगी, तब तक स्टेशनरी रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ गई तो फिर स्टेशनरी रहना इसके लिए मुश्किल है, राइट, स्लिप कर जाएगा फिर उसके ऊपर। ये क्वेश्चन की डिमांड थी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन स्टेट्स व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इन द ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर। सो ये फिगर है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है ट्रॉली का 0.04, एंड यहाँ पर हमें पता है कि एक्सेलेरेशन राइट साइड आ रही है, दैट मींस ब्लॉक जो है लटका हुआ वो जीत रहा है, 30 न्यूटन का ये फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, राइट, तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारे पास दो इक्वेशंस बनती हैं, एक 30 न्यूटन की जो फोर्स लग रही है फिगर में एम जी है वो, वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये 30 भी कैसे आया। नाउ फिगर के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो हमारे पास जो एम वन जी है वो जीत रहा है, माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू एम वन ए, और टेंशन माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू एम टू ए, इसके अकॉर्डिंगली अगर चीज़ें ऐड करी जाएँ तो टेंशन डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम वन जी माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए, राइट। सो एम वन जी क्या है हमारे पास, एम वन जी है 3 इंटू 10 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के एम जी, सो म्यू के इंटू एम टू जी इज इक्वल्स टू दैट इज एम वन प्लस एम टू 20 प्लस 3 विच इज 23 इंटू ए। सो यहाँ पर हमसे टेंशन पूछा था, लेकिन उसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना पहले ज़रूरी है, तो 30 माइनस 0.04 इंटू 20 इंटू 10 विच इज़ 200 इज इक्वल्स टू 23 ए, दिस इज 30 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 23 ए, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलमोस्ट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइन। नाउ एक्सेलरेशन निकालने के लिए पुट ए इन फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स से ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, तो t इज इक्वल्स टू एम वन जी माइनस एम वन ए, एम वन जी इज 30 माइनस एम वन ए इज 3 इंटू ऑलमोस्ट वन, देखो 27 न्यूटन का टेंशन निकलेगा, अप्रॉक्सीमेट है ये भी, क्योंकि एक्सेलरेशन अप्रॉक्सीमेट है, एक्सेलरेशन क्योंकि छोटा है तो ये वैल्यू छोटी माइनस होगी, तो ये 27 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मे बी 27.1 या 2, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाएगा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिमांड है हमसे दैट देयर इज अ रेयर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन, अ बॉक्स ऑफ 40 किलोग्राम मास इज प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन सरफेस एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर ये बॉक्स रखा हुआ है 5 मीटर अवे, तो इसका डिस्टेंस जो यहाँ पर मेंशन है वो कितना है 5 मीटर, राइट, एंड हमसे डिमांड है क्वेश्चन की दैट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड सरफेस इज गिवन, द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट and accelerate with this much speed, at what distance from the starting point does the box fall away? तो basically अगर हम इतनी acceleration provide करा रहे हैं तो box के पीछे गिरने का एक ही reason हो सकता है कि इतनी acceleration box बर्दाश्त नहीं कर पाया, static level से kinetic level पे आ गया, fine, तो यहाँ ज़रूर हमारे पास net acceleration होगी इस box की, उसको हम put करेंगे उस net acceleration को बॉक्स की, और उसके अकॉर्डिंगली वो टाइम निकालने की कोशिश करेंगे जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ गिर गया, वो टाइम पता चलते ही वो टाइम हम इस ट्रक के ऊपर अप्लाई करेंगे
और फिर पता लगा लेंगे कितना डिस्टेंस ट्रक ने ट्रैवल किया था उस समय में जब ये बॉक्स गिरा। सो क्योंकि ट्रक 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलेरेट कर रहा है, तो वही एक्सेलेरेशन बॉक्स को भी मिली होगी। तो अप्लाइड फोर्स जो होगी बॉक्स के ऊपर वो होगी ma, विच इज़ 40 × 2, दैट इज़ 80 मीटर पर सेकेंड, 80 न्यूटन। एंड फ्रिक्शनल फोर्स होता है μmg, म्यू हमें दिया हुआ है 0.15 × एम हमारे पास है यहाँ पर 40 × 10, देयरफॉर इट्स 60 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स हुआ उसके ऊपर FA माइनस फ्रिक्शन, विच इज़ 20 न्यूटन। एंड ये नेट फोर्स लगा है बॉक्स पे, तो मतलब ये नेट फोर्स जो होगा वो MA के जब इक्वल होगा तो A आ जाएगा हमारे पास 20/40, विच इज़ हाफ, विच इज़ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ये बॉक्स पीछे की तरफ खिसकेगा विद इनिशियल वेलोसिटी 0। तो बेसिकली यहाँ पर ये कितना टाइम लगाएगा एक 5 मीटर को कवर करने के लिए, उसको हमें पता लगाना है। तो s = ut + ½at², सो सिंपली ½at² ही s हो जाएगा क्योंकि u तो 0 है। देखो हमारे पास आएगा ½ × 0.5 × t² = 5.0, therefore t = √20। t = √20 और t² = 20, फाइन। इस इक्वेशन के बाद अब ये समय वो समय है जिसमें ये बॉक्स यहाँ गिर जाएगा। तो इतने ही समय में तो ट्रक आगे गया, तो ट्रक कितना आगे गया वो हमें निकालना है। सो s = ut + ½at², क्योंकि ट्रक भी स्टार्ट किया था उसने रेस्ट से, तो ये यूटी वाला पार्ट उसके लिए भी 0 हुआ। ½ × a, ट्रक का एक्सेलरेशन तो 2 है, और t² उसके लिए भी 20 होगा, इतनी t² में वो बॉक्स गिरा था तो इतने ही टाइम में, देयरफॉर 20 मीटर आगे गया। ट्रक ने कितना कवर करा? 20 मीटर का डिस्टेंस जिस दौरान ये बॉक्स पीछे से गिर गया, फाइन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर, कि मतलब एक इंक्लाइन प्लेन पे जब आप रख देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वो कितने एंगल तक रेजिस्ट कर सकता है नीचे स्लाइड करना, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है। सो ये वो एंगल ऑफ रिपोज है जिसको हम निकालना चाहते हैं जो उसको स्लाइड होने से बता लेता है, राइट। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में जब आप देखेंगे कि किसी इंक्लाइन पे एक ऑब्जेक्ट रखा है तो mg के 2 रेजोल्यूशंस निकलेंगे, एक mg cos थीटा जो नॉर्मल के साथ जाता है और एक mg sin थीटा जो उसको नीचे गिराना चाहता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज की, एंगल ऑफ स्लाइडिंग की, मतलब आप यूँ समझिए कि ये एक आपके पास इंक्लाइन था, आपने थोड़ा एंगल बढ़ाया वो नहीं गिरा, फिर आपने थोड़ा और बढ़ाया, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कितना एंगल तक आप बढ़ा दें कि वो नहीं गिरे, हम उस पर्टिकुलर एंगल के मैक्सिमम पोजीशन पे पहुँचे हैं, राइट। और इस मैक्सिमम पोजीशन पे होता क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर ये जो mg sin थीटा है, mg sin थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो हमें पता है कि क्या होता है μn, और यहाँ पर n कौन है, mg cos थीटा के इक्वल है, राइट। तो ये जो mg sin थीटा है वो μmg cos थीटा के इक्वल हो जाता है, इस फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाता है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स इधर है, जिसकी मदद से यहाँ आप निकाल सकते हैं μ = tan थीटा। तो इन दोनों पर्टिकुलर बॉक्स एंड फ्लोर के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है वो एंगल बढ़ाते 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 उस लम्हे तक ये नहीं गिरेगा जब तक एंगल बढ़ के स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ इक्वेट नहीं कर देता है टैन थीटा को। वंस ये एंगल इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, टैन थीटा उससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तब ये डेफिनेटली स्लाइड कर जाएगा नीचे की तरफ, तब ये नहीं रुकेगा। सो ये है एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन, μs = tan थीटा, फाइन। अब वो केस देख रहे हैं हम जिसमें हम इंटेंशनली इसको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराएंगे और एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालेंगे। अगेन पहले की तरफ फ्रिक्शन फोर्स आप पता लगा सकते हैं क्योंकि mg के आपने कॉम्पोनेंट पता लगा लिए हैं, μn विच इज़ μmg cos थीटा। एंड यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डाउन
और ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो फ्रिक्शन नहीं जीत रहा, एम जी साइन थीटा जीत रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा विच इज़ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये नेट फोर्स हो गई। एम जी साइन थीटा में से अगर आपने फ्रिक्शनल फोर्स माइनस कर दी तो ये क्या हो गई, नेट फोर्स। और नेट फोर्स किसके इक्वल होती है, एम ए के। एम एम कॉमन लीजिए लेफ्ट साइड से और राइट साइड के एम से कैंसिल आउट करिए, तो ए क्या आ जाएगा, जी ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, जी ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए जो होगा वो लेस देन जी होगा, ए जो होगा वो लेस देन जी होगा, राइट, क्योंकि माइनस करके ए निकल रहा है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक इंक्लाइन प्लेन की, जिसमें जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ मिल रही है उसे, राइट, तो कौन जीतेगा, एक्सेलरेशन ही ऊपर की तरफ मिल रही है, दैट मीन्स अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ है। एंड आपको तो पता ही है फ्रिक्शन मोशन के खिलाफ नहीं है, फ्रिक्शन उसके खिलाफ है जो उस फोर्स उसको मोशन में लाती है। तो क्योंकि अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ है तभी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मिल रही है, तो फ्रिक्शन अपने आप नीचे की तरफ आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन दोनों मिल के मुकाबला करेंगे उस एक्सेलरेशन का, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। सो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो आएगा एम कॉमन लेके कैंसिल करके, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ऐड होके मल्टीप्लाई हो रहा है जी से, और यहाँ सब्ट्रैक्ट होके मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए मैंने छोटा बोला था। अब एक्सेलरेशन जो आई है आपकी इस बारी वो ग्रेटर देन जी आई है। तो एक केस ऐसा है जिसमें अपवर्ड एक्सेलरेशन मिलेगी, तो एक्सेलरेशन जो होगी वो ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। एंड एक केस ऐसा जिसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स आ रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। फाइन, ये एंगल ऑफ रिपोज के बाद के कॉन्सेप्ट कुछ जो हमने डिस्कस अभी अभी किए, ये हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर काम में आएंगे। सो ये लास्ट टॉपिक है जो इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, रोलिंग फ्रिक्शन। सो रोलिंग फ्रिक्शन तब रोल प्ले करता है अपना जब एक ऑब्जेक्ट स्लिप जब करता है, साथ ही साथ रोल डाउन भी करता है। मतलब काइंड ऑफ आप यूँ समझिए कि जब एक इंक्लाइंड है हमारे पास, राइट, और इस इंक्लाइंड पे आपने किसी सिलेंडर को छोड़ दिया, और सिलेंडर ऐसा जिसका आपको यहाँ से खाली एक एरिया ऑफ बेस दिख रहा है, राइट, सिलेंडर आगे जाके ऐसे 3D फिगर कंप्लीट करते हुए दूसरी तरफ भी है, और ये इधर रोल डाउन होते हुए नीचे आ रहा है, तो स्लिप भी कर रहा है साथ में रोल भी कर रहा है, या स्लिप नहीं कर रहा है खाली रोल कर रहा है, तब जो फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सो रोलिंग फ्रिक्शन, अ रिंग और अ स्फीयर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, खाली रोल कर रहा है स्लिप नहीं कर रहा, राइट। सो विदाउट स्लिपिंग ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन विल सफर नो फ्रिक्शन एट एवरी इंस्टेंट, देयर इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन, एंड दिस पॉइंट हैज नो मोशन रिलेटिव टू द प्लेन, क्योंकि हर बार एक पॉइंट कॉन्टैक्ट में आता है और वो पॉइंट छूट जाता है, तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। इन दिस आइडियल सिचुएशन काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो एंड द बॉडी शुड कंटिन्यू टू रोल विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, बट वी नो प्रैक्टिकली जो रियल लाइफ में होता है दिस विल नॉट हैपन। सम फ्रिक्शन डज अकर इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन विच इज मच स्मॉलर देन स्टैटिक और स्लाइडिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग के रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा होता है, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है उसको रुकने में। Hence, it is easier to drive a bicycle when its tires are fully inflated, because rolling friction converted into sliding friction. There are some methods to reduce these frictions. एक तो हम use करें ball bearing, lubricants use करें, right? Polishing करें and proper selection of smooth material करें, तभी ज़्यादा हम इस friction को reduce कर सकते हैं, and एक बारी pedal मारने के बाद cycle बहुत देर तक चल सकती है। Clear है? ये rolling friction तब role play करता है। हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं अब जो हमें प्रैक्टिस करने हैं होमवर्क में। सो आपका पेज नंबर 16 टू पेज नंबर 23 ये होमवर्क है जो नेक्स्ट क्लास तक हो जाना चाहिए। इन नेक्स्ट क्लास में हम फ्रिक्शन में आगे बढ़ेंगे। फ्रिक्शन में हम नेक्स्ट क्लास में बैंकिंग ऑफ रोड एंड बेंडिंग ऑफ बाइसाइकिल के ऊपर बात करेंगे। सेंट्रिपेटल फोर्स के दौरान जो फ्रिक्शन लगता है, मतलब फ्रिक्शन सेंट्रिपेटल फोर्स पैदा करता है,
एक्चुअली सेंट्रीपेटल फोर्स का भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स कभी भी खुद पैदा नहीं होता, कोई और उसे पैदा करता है। जैसे चार्जेस के एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करने के वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स पैदा करता है, वैसे ही अगर बात करेंगे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का सन के अराउंड घूमना, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा करता है सेंट्रीपेटल फोर्स। इस केस में भी फ्रिक्शन पैदा करता है हमारा बैंकिंग ऑफ रोड या बेंडिंग ऑफ साइकिल के केस में फ्रिक्शन पैदा करता है सेंट्रीपेटल फोर्स। उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में वो बात करेंगे। एंड हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट क्लास के बाद ख़त्म ही हो जाएगा प्रॉपरली, राइट? तो इस होमवर्क को हम नेक्स्ट क्लास तक कर लेंगे, पेज नंबर 16 टू पेज नंबर 23। थैंक यू फॉर द क्लास।